तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपनी वीडियो होने वाली है स्वराज 855 FE जो साइड गियर में आता है, और ये 16 तवा की एरो पर चल रहा है यहाँ पर। और ये अंकल जी से थोड़ी बातचीत करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये आ गया अपना स्वराज। बंद कर लो, बंद कर लेना, बंद कर लो, मैं भी बंद कर लो भाई। स्वराज 855। राधे राधे। राधे राधे। और बताओ ट्रैक्टर के बारे में कुछ, पहले तो अपने बारे में बताओ, अपना नाम। मेरा नाम हर्षेंद्र है, सोसा से हूँ। हाँ, ग्वालियर। और ग्वालियर है। ठीक है गाड़ी। जैसे जो आप ट्रैक्टर लेके आए, अब कितने टाइम हो गया ट्रैक्टर को लिए? ट्रैक्टर को लिए लगभग 5 महीने हो गए, 600 घंटा चल गया। 5 महीने में 600 घंटा? 5 महीने में 600 घंटा चला दिया। अच्छा, तो जैसे ज़्यादातर आप काम करते हैं, किराए का ही काम रहता है सबसे ज़्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा किराए का ही है, अपनी ज़मीन तो थोड़ी है। जैसे ट्रैक्टर आप जो लेके आए हैं 855, तो इसके पहले आप पे और भी ट्रैक्टर होंगे? हाँ रहे, पावर ट्रक भी था और स्वराज 35 भी। और पावर ट्रक कौन सा? 445 पावर ट्रक, बढ़िया गाड़ी, वो भी अच्छी चलती थी। अच्छा, कितने साल ट्रैक्टर चला रहे हैं? ट्रैक्टर साल हो गई लगभग मुझे 25 साल हो गई ट्रैक्टर बाजी करते हुए। सबसे किराए का काम है पूरा? हाँ, टोटल किराए का ही काम है, अपना तो थोड़ा ही बहुत काम है, जैसे 7-6-10 बीघा जमीन घर की हो जाती है बस। और अच्छा, जैसे आप किराए पर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन कौन से काम पर चलाते हैं अभी? ऐसे हैरो चल रहा है, अब हैरो है, कंटीमीटर है, अपने आलू की बवाई अच्छी चलती है। ट्रॉली पर कभी चलाया? ट्रॉली मुझे टाइम ही नहीं मिलता ट्रॉली चलाने के लिए, वैसे तो यही काम है मतलब बहुत, वैसे इसी काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अब आलू का काम आ गया तो लगभग 15-20 दिन तो एक ये चलेगा आलू का, उसके बाद फिर से जुताई, फिर सरसों की राई, सारे काम ऐसे चलते रहे। आलू की कौन सी मशीन ले अपने पास? ऑटोमेटिक है। नहीं लेके आए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, जैसे आप इतने सालों से ट्रैक्टर चला रहे हैं, 25 साल हो गए ट्रैक्टर चलाते चलाते, तो ट्रैक्टर के बारे में अब तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो गया होगा, और आपने 3-4 ट्रैक्टर बदल भी दिए? नहीं, 7-8 बदल दे, 7-8 ट्रैक्टर बदल दे। तो फिर तो अब आपको जैसे आपके पहले पावर ट्रक, सबसे पहले एस्कॉर्ट 35 था, 335, वो बहुत पहले है ना? बहुत पहले, सबसे स्टार्ट उसी से की। नहीं, अभी जैसे आपके पास पावर ट्रक था? हाँ, पावर ट्रक था अभी। और भी आपने चलाए हैं, तो इस बार स्वराज का मतलब मन कैसे बन गया पावर ट्रक के बाद? पावर ट्रक ही क्यों नहीं लिया? स्वराज का मन ये ऐसे बन गया है, छोटे वाले पे भी है एक छोटा वो ट्रैक्टर 855, उन्होंने भी कहा था कि बोले भाई साहब अच्छा ट्रैक्टर है, तो मैंने चलो देख लेते हैं, 855 चला के देख ले रहे हैं। और जैसे आप पावर ट्रक चला रहे थे, पावर ट्रक में और इसमें कुछ अंतर समझ में आया? पावर ट्रक में इसमें अंतर, डीजल का अंतर ज़्यादा है, जी डीजल कुछ उससे, जैसे वो 10 लीटर में काम करे उसी काम को ये कम से कम 12-13 लीटर में करता है। अच्छा। वैसा ही काम, ये नहीं कि ज़्यादा अच्छा करे या वैसे, उतना ही। डीजल के मामले में थोड़ी इसकी एवरेज वैसा है, डाउन है थोड़ा, डीजल ज़्यादा ले रहा है। डीजल ज़्यादा ले, पावर ट्रक से तो खैर वैसे इस तो ज़्यादा ले रही है। हाँ, पावर ट्रक अच्छी गाड़ी थी। और खिंचाई के मामले में? खिंचाई जे पावर ट्रक वो 445 में, 48 HP में, जे 50 HP में, जो टायर इसमें, जो टायर उसमें, और खिंचाई बराबर, तो जे है कि बढ़िया खिंचाई दोनों की ठीक है, और एवरेज उसका अच्छा था इससे। एवरेज उसका अच्छा, खिंचाई दोनों की सही है। हाँ, खिंचाई तो दोनों की बढ़िया, कोई बात नहीं है। और ट्रैक्टर की जैसे मतलब आप केवल उनके कहने पे, मतलब आपके भाई जो भैया हैं उनके कहने वैसे, मेरी तो इच्छा नहीं थी लेने की इसकी, मेरी तो पावर ट्रक चलाया वो ही अच्छा लगता है, डीजल के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो आपने भाई टूट फूट भी कम आप बता दिया कि छोटे भाई, और फिर कुछ मेरी भी इच्छा थी 50%, कुछ उन्होंने भी सहयोग कर दिया, तो इस चक्कर में ले लिया ना। हाँ, साइड गियर में ट्रैक्टर लेके आए नई टेक्नोलॉजी में? अब साइड में सेंटर में सब लोग चला रहे थे, मैं साइड में ही लेके देख लिया। कुछ अंतर है या मैं साइड में? उसमें कुछ अंतर नहीं है, सब जो है कि जैसे ये पैरदान है, यहाँ थोड़ी फ्लैट जगह है, पैर में रखने के लिए जगह मिल जाती है, बट साइड में जो कस्टमर बैठते हैं उनके लिए दिक्कत होती है लीवर वगैरह से। हाई लो मीडियम में 15 स्पीड गियर है, तो थोड़ी बैठने में दिक्कत होती है, ड्राइवर के लिए कोई टेंशन नहीं है। स्वराज में ना एक चीज़ है, स्वराज की जो कहते हैं कि साइड गियर में जो ट्रैक्टर है स्वराज का, वो मतलब सक्सेस नहीं है गियर में, दिक्कत आती है। ऐसा था, स्वराज इससे पहले भी साइड गियर में आया था ट्रैक्टर, पहले XM
XM था और भी थे, मतलब वो उनमें और इनमें टेक्नोलॉजी अलग कर दी गई है गियर बक्से की। तो फिलहाल इसमें अब कोई टेंशन नहीं है, उस वाले में टेंशन बताई थी। अब ये तो फिर अभी 5 महीने हुए, अब इतनी जानकारी भी नहीं है कि गियर के बारे में अब क्या करेगा आगे चल के, क्या नहीं तो करेगा। अभी अभी आपने इतने महीने तक चलाया, इतने महीने में कोई शिकायत ट्रैक्टर में आई कभी? इस इतने दिन में अभी तो कोई शिकायत वगैरह नहीं है। कभी कोई ऐसी चीज मतलब नहीं होगी जे आर पावर ट्रक में अच्छी थी तो स्वराज गलत ले आया? नहीं नहीं, बस एवरेज के मामले में मान लो बस, और वैसे इसमें कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया चल रहा। चलाने में कितना मजा आ रहा है? जाम मजा लग रहा है पावर ट्रक में? सही है, वो तो दोनों ही सब बढ़िया लगते, कोई टेंशन नहीं है। और 15 स्पीड गियर में ट्रैक्टर है ये, 3 सिलेंडर में। हाँ, पावर स्टेयरिंग, पिछले टायर तो 14 में ही आ रहे हैं यार, 14 में ही। और कोई ट्रैक्टर की कोई खास चीज़ जो लगी हो कि जिस ट्रैक्टर में यार जहाँ जिस चीज़ बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई चीज़ हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो तो जैसे पुराने ट्रैक्टर में दे रहे थे उसी हिसाब से दे रही है, केवल ये गियर की साइड शिफ्टिंग चेंज कर दी गई है और कुछ नहीं है। और तो पूरा अच्छा, एक चीज़ और लगती है ट्रैक्टर में, जैसे उसमें वही है, जैसे जो मॉडल है ये वाला, पहले 855 में ये वाली जो थाली लगी हुई है ये नहीं आती थी। हाँ, ये नहीं थी, ज्यादा आती थी, बम्पर लगा ली, बढ़िया सुविधा आने लगी। हाँ, बामन थी पहले वाली? नहीं, उसमें नहीं थी। ठीक है, अब प्राइस के बारे में और बता दो। प्राइस रेंज, रेंज इसकी 835,000 का नगद कैश में था, ऑन रोड 835। हाँ, 835,000। कितने का अंतर है जाने और किस्त में? तो और ज़्यादा हो जाता है। जो सेंटर बाय सेंटर गियर में और साइड में जाने कितने का अंतर है? सेंटर में साइड में कोई अंतर नहीं है, जिसमें 15 स्पीड कर दी गई, लो मीडियम कर दिया है, वो नहीं लो हाई में था केवल। हाँ, जहाँ गियर ज्यादा हो गए उसमें लो आई था, इसमें लो मीडियम हाई, वो इसमें 10 गियर हो जाते थे, रिवर्स साइड इसमें 15 हो जाते। प्राइस 835,000। 835 की जो होगी तो बहुत, मतलब 10-15 हज़ार का अंतर होगा दोनों में, है ना? हाँ, उसमें सेंटर वाले में इसमें 20,000 का फर्क है, 20-22,000 का। हाँ, सही हो गए, सही है। 16 तवा की चल रही है अपनी, है ना? हाँ, 16 की है। चला, चालू करो, स्टार्ट करो। पीटीओ के जाके अलग से क्लच है? हम पीटीओ की, हाँ पीटीओ अलग क्लच है, पीटीओ की अलग है, एक ग्राउंड पीटीओ उसकी अलग क्लच है, और जो क्वार्टर पीटीओ उसकी यही क्लच है। अच्छा, हाँ जहाँ सेपरेट क्लच दिखा रही है ऊपर एक। हाँ, चलो करो स्टार्ट। ये और ये अलग है, डबल क्लच में ट्रैक्टर है भाई, उसमें पीछे भी है, पीछे और एक भी जो है, जैसे कोई इम्प्लीमेंट लगा दे तो पीछे उसमें जो सपोर्ट दिया गया लीवर, उसमें यहाँ से एडजस्ट कर लो। और सुन लेते एक बार ट्रैक्टर की, देखो साउंड वगैरह चेक कर लो, बढ़िया दमदार साउंड है ट्रैक्टर का जी, तो भाई बात से आया वैसे ही। और अभी जो ट्रैक्टर चल रहा है, ये चल रहा है पहले के हाई में, ये है पहले के हाई में, बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। बाकी और आपको ट्रैक्टर कैसा लगा और ये जानकारी किसान भाई ने बताई कैसी लगी, कमेंट जरूर बताना। और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, बस चैनल पर बने रहना। कोई भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट टाइम है ट्रैक्टर की हैरो पर शानदार परफॉर्मेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।